गुरुग्राम के गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास एमआर बिल्डिंग में नीलकंठ प्रीमियर हॉस्पिटल के शानदार उद्घाटन किया गया। अनुभवी डॉक्टर और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नीलकंठ प्रीमियर हॉस्पिटल महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य को समर्पित है। हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर हिमांशु गर्ग ने सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत किया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सबका विशेष आभार व्यक्त किया। यह अस्पताल महिलाओं के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है। अस्पताल के उद्घाटन पर कई जानी मानी हस्तियां सम्मिलित हुई। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, जाने माने समाज सेवक पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी, ब्रिगेडियर सुजीत सिंह, एक्ट्रेस विनीता मालिक, महेश दायमा, काउंसलर गुड़गांव डॉक्टर संजीव शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी आदि कर गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से सहभागी रही डॉक्टर पंखुड़ी गर्ग, फाउंडर ऑफ लॉ मिडास एस्थेटिक। आपको ये बता दें कि अस्पताल महिलाओं की गर्भावस्था, प्रसव और मातृत्व से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही साथ यहाँ के अनुभवी डॉक्टरों की टीम महिलाओं के स्वास्थ्य मुद्दों का भी ध्यान रखते हैं। नारी आजकल बहुत प्रगति पे है, हर काम बहुत अच्छा कर रही है और जो भी काम दिया जाता है वो बहुत अच्छे से पूरा करती है। और ये इवेंट भी इसी तरह का है, इसमें IVF के बारे में बता रहे हैं कि लेडीज़ की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि एक यही लेडी के लिए प्रॉब्लम रहती है अगर वो कंसीव ना कर सके, माँ ना बन सके। ये माँ शब्द सुनना एक औरत के लिए मेरे ख्याल में अल्टीमेट खुशी होती है और उस खुशी को पाने के लिए वो कोई भी हद से गुजर जाती है। और माँ ना बनने पर तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम उसके लिए होता है दुनिया के ताने सहना, सास के, अपने ससुराल में, फ्रेंड्स की, अपने बच्चों में क्या हुआ, किसमें कमी है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लगता है यार भगवान ने हमें क्यों औरत बनाया। पर नहीं, आज ये इवेंट हुआ, मुझे पता चली बातें, मैं डॉक्टर से भी पूछ रही थी तो मैंने कहा ये जो एक नारी के अंदर ये क्या कहूँ मैं कमी जो रह जाती है वो भी अब पूरी हो गई। नीलकंठ हॉस्पिटल की जो मुहिम है जिससे हर घर में बच्चा या खुशी का माहौल, ये जो खुशी मिली है ना, लाजवाब है। NBC न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।